दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन कंपनी में अमूल इंडिया में टॉप पर रैंक करती है। प्रेजेंट टाइम में अमूल की मार्केट वैल्यू 52,000 करोड़ रुपया है और सिर्फ साल 2020 में ही अमूल ने 39,248 करोड़ का बिजनेस किया। इसी से पता चलता है कि डेयरी प्रोडक्शन में अमूल इतना ट्रस्टेबल ब्रांड क्यों है। और अगर आप भी किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो हर सुबह अमूल की ये जानी पहचानी थैली आपके घर जरूर पहुंचती होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैकेट बंद दूध कई किसानों के घरों से होकर अमूल मिल्क प्लांट और फिर वहां से आपके घर तक पहुंचने का सफ़र कैसे तय करता है। नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अमूल दूध को कैसे बनाया जाता है। सुबह होते ही विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्कर कंटेनर में दूध को लेकर अमूल के मिल्क कलेक्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और यहीं से शुरू होता है मिल्क प्रोसेसिंग का पहला स्टेज मिल्क कलेक्टिंग का। और अमूल कोऑपरेटिव स्टाफ हर कंटेनर के दूध को इस मिल्क टेस्टर में जाँच करते हैं और तय पैरामीटर्स पर खरा होने पर उस दूध को कलेक्ट कर लेते हैं और ये काम हर रोज 365 दिन ऐसे ही चलता रहता है। और ये किसान जिस गाय का दूध निकालते हैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और दूध की अच्छी क्वालिटी के लिए गायों का खाना भी अच्छी क्वालिटी का ही दिया जाता है और ये सारी फैसिलिटीज खुद अमूल ही प्रोवाइड कराता है और समय समय पर वेटनरी डॉक्टर्स भी गायों की जांच करते रहते हैं और दूध को अनटच्ड और उसकी हाइजीन मेंटेन रखने के लिए किसान मिल्किंग मशीन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ इन दूध को टैंकरों में स्टोर करके चिल्ड कर लेते हैं और इसे ट्रांसपोर्ट टैंकरों में फिल कर देते हैं जो इस दूध को लेकर अमूल के प्लांट पर पहुँच जाती है। और यहाँ पहुँचते ही इन टैंकरों में से मिल्क के सैंपल को इकट्ठा कर लिया जाता है और इस मिल्क को लैब में ले जाकर तय मानकों पर उसकी जांच की जाती है और सभी की क्वालिटी चेकिंग और जरूरी सभी फिक्स पैरामीटर्स होते हैं उसकी जांच करी जाती है। तो अभी इसकी जांच पूरी हो चुकी है। अब इस मिल्क को अलग अलग साइलोज में पंप करके स्टोर कर दिया जाता है और अमूल के अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए इन दूध को डिफरेंट फैक्ट्रीज के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर अमूल बटर, अमूल चीज़ और अमूल की आइसक्रीम और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए उस मिल्क का यूज़ किया जाएगा। अब अमूल मिल्क के लिए इस रॉ मिल्क को साइलोज में से निकालकर मिल्क ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे उसमें मौजूद कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज और इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाते हैं। जरा रुकिए, अभी ये दूध पैकेट में भरने के लिए रेडी नहीं हुए हैं और अभी इस दूध को पीने लायक बनाने के लिए पैस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर आपको पैस्चराइजेशन के बारे में पता नहीं है तो सुनिए, दूध के टेम्परेचर में अचानक से बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने को ही पैस्चराइजेशन कहते हैं। आप दूध के पैकेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा भी होता है। आइए जानते हैं कि एक प्लांट में दूध को पैस्चराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन से पास कराया जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और फिर आगे इस टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसे ही ये प्रक्रिया लगातार घंटों तक चलती रहती है जिससे इसके सारे हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दूध के फटने या खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अब ये पैस्चराइज्ड मिल्क बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की तरफ जो कि है होमोजेनाइजेशन। ये पैस्चराइज्ड मिल्क इन होमोजेनाइजर मशीन में चले जाते हैं और इस प्रोसेस में होता ये है कि मिल्क में जो भी फैट के बड़े कण होते हैं उसे मल्टीपल प्रेशर पिस्टन के जरिए सारे फैट मॉलिक्यूल्स को दूध में इक्वली स्प्रेड कर दिया जाता है जिससे सभी पैकेट में भरा जाने वाला दूध का टेस्ट सेम रहता है। तो अब ये पैस्चराइज्ड और होमोजेनाइज्ड मिल्क बढ़ती है पैकिंग एरिया में जहाँ पर इन्हें फूड ग्रेड पॉलीबैग्स में ये मशीन ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से फिल कर देती है।
और आगे ये वर्कर इस मिल्क पैकेट्स को इन प्लास्टिक कैरेट में अरेंज कर देते हैं और आगे इंतजार कर रहे ट्रकों में इसे लोड कर दिया जाता है और इसे ऑल ओवर इंडिया के लिए रवाना कर दिया जाता है ताकि ये आपके डेयरी शॉप और दुकानों में बिक्री के लिए रेडी हो सके। दोस्तों वैसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से गाय का ताजा दूध बेस्ट है या फिर अमूल का पैकेट बंद वाला दूध, कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगली बार जब भी आप अमूल के पैकेट को देखें तो हमें और इस वीडियो को जरूर याद करें। हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही हमेशा नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अगर आप जानना चाहते हैं फैक्ट्री में माजा कैसे बनता है तो इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देख लें, वीडियो काफ़ी अच्छी है।